नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं विनोद। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का आर डी शर्मा बुक्स, चैप्टर नंबर आपका वन चल रहा है यहां पे, सॉरी चैप्टर वन करेंगे। और एक्सरसाइज जो है 1.1 हम पढ़ रहे हैं, नोइंग आवर नंबर्स। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें पावर पॉइंट पर पढ़ाया था आपको पीपीटी पे, और आज से हम जो है इसको डायरेक्ट आपको मेरा फेस टू फेस हम लोग क्लासेस अटेंड करेंगे और आप अटेंड करेंगे। और मैं चाहता हूं कि कोशिश करता हूं कि इसी टाइप से मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊं कि ताकि स्टूडेंट का इंटरेक्शन टीचरों के साथ डायरेक्ट होता है तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो आज हम लोग इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो है आपका सिक्स तक हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पावर पॉइंट पर बनाए थे, वीडियो हमने बनाया था और वो वीडियो अपलोड किए थे, तो वहाँ तक आपका थ्योरिटिकल था, इसलिए मैंने वो पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ रहा था मुझे, इसलिए थ्योरिटिकल को मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन से, और ये हम तरीके से इसको आज कम फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। तो क्वेश्चन नंबर जो है सेवन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेवन करता है कि डिटरमिन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 25 इन 450758। इसमें कहता है कि इन पे जो इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है फाइव का, ये नंबर दिया है ना, इसमें फाइव देखो एक नंबर है, गिवेन नंबर क्या है, गिवेन नंबर स्टूडेंट दिया हुआ है, गिवेन नंबर्स दिया है 450758। अब इसमें क्या करनी है, इसमें फाइव एक नंबर है, देखिए ये फाइव एक नंबर है और एक फाइव यहाँ भी है, दो जगह फाइव का प्लेस वैल्यू निकालनी है, दोनों ही इस फाइव का भी प्लेस वैल्यू निकालनी है और इस फाइव का भी प्लेस वैल्यू निकालनी है। दोनों के प्लेस वैल्यू को निकाल करके और इसको जो है प्रोडक्ट करनी है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा, क्या होता है क्वेश्चन थ्योरेटिव पर मैंने पढ़ाया था, द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा, तो क्या होता है उसका फेस वैल्यू इनटू पोजीशन है, यही तो फार्मूला होता है, किसी का प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो फेस वैल्यू निकाल लो, साथ साथ वो कितने पोजीशन पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका निकाल रहा हूँ, ये वाला जो फाइव देख रहे हैं ना, इसका निकाल रहा हूँ प्लेस वैल्यू। तो मैं लिखा रहा हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव, ठीक है, तो क्या होगा इस फाइव का, मैं लिख दिया फाइव का फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू वही नंबर होता है जो जिसके प्लेस वैल्यू निकालेंगे, जैसे ये फाइव है तो फाइव जो है ये अपने आप में फेस वैल्यू है, इसका फेस वैल्यू हो गया फाइव, अब प्लेस वैल्यू हो गया वो पोजीशन के साथ बताना है आपको। तो प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो फेस वैल्यू और इनटू पोजीशन, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा इस फाइव का, फाइव होगा, अब पोजीशन क्या हो गया, तो इधर से देखिए यानी एक दो तीन चार पाँच, यानी पाँचवीं पोजिशन पर है, तो मैं क्या करूँगा वन रखूंगा और पांच के बाद इधर जितना डिजिट होगा एक दो तीन चार डिजिट है, यानी टोटल फोर डिजिट है, तो वन पे मैं फोर डिजिट दे दूंगा, फोर डिजिट मतलब फोर जीरो में बैठाऊंगा। तो आपको कैसे निकालनी है, फाइव को फाइव लिख दिया मैंने फेस वैल्यू, और फाइव के बाद जितना डिजिट होगा वन पे उतनी जीरो बैठाना है। अब मैं इसको लिखूंगा फाइव, इसको मल्टीप्लाई करके ये हो गया, फिर मैं निकालू ये इस फाइव का क्या था, ये इस फाइव का आपका प्लेस वैल्यू, अब हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ इस फाइव का प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव, तो इस फाइव का क्या होगा फेस वैल्यू फाइव लिखूंगा, अब पोजीशन देखो ये फाइव वन, इसके बाद फाइव के बाद कितना डिजिट जीरो होगा, एक जीरो, यानी कितना हो गया 50। अब मैं क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट निकालनी है, तो अब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव, जो भी प्लेस वैल्यू आया ना फाइव का, इनके प्रोडक्ट निकालनी है, तो क्या करूँगा मैं स्टूडेंट, मैं लिखूँगा फाइव इज फोर, ये जो आया है साथ साथ इसका 50, तो मैं लिखूँगा फाइव फाइव जा 25 और एक पे कितने जीरो हो जाएंगे, पाँच जीरो हो जाएगा, ठीक है, फाइव जीरो मैंने दे दिया। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखनी है, तो हम क्या बताए थे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में,
हमें स्टार्टिंग के जो तीन का पैकेज एक फैमिली होगी तो कॉमा आपको यहाँ देनी है, उसके बाद कहाँ पे होगा, उसके बाद दो का पैकेज होगा, दो का फैमिली होगा, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे, फिर इधर का देंगे, यानी आपको इंडियन सिस्टम है 250000, यही आपका आंसर्स हो गया। तो यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 कि आपको पूछ रहा था, एक नंबर दिया हुआ था उसमें 5 है 5 है, उसके दो जगह 5 है, दोनों को प्लेस वैल्यू निकाल कर उनकी प्रोडक्ट करनी है और ये आपके आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हम जो है 7 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिटरमिन द यहां पे डिफरेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर मैं 8 कर रहा हूं, डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टू सेवंस इन 257839705। इसमें हम लोगों को निकालनी है 7 के प्लेस वैल्यू और उसका डिफरेंस निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें 7 इसमें जो डिटरमिन द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 27, दो बार 7 है, एक बार बच्चों यहाँ पे 7 है और एक बार 7 यहाँ है, तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, इस 7 का, तो इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 7 जब हम निकालेंगे तो पहले फेस वैल्यू 7 होगा, 7 हो जाएगा, 7 का जो फेस वैल्यू है 7 ही होगा। अब 7 के बाद हम लिखेंगे 1 और 1 लिखने के बाद देखिए 7 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है, तो हम इसको 60 बिठाएंगे इस पे 5 और 6, यानी आपका 2 ये हो गया आपका क्या चीज प्लेस वैल्यू, किसका 7 का। अब मैं इसका प्लेस वैल्यू निकालूंगा, तो इसका द प्लेस वैल्यू क्या निकालूंगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 7s का, इसमें 7 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 7 तो 7 ही लिखेंगे, उसके बाद 1 लिख करके 7 के बाद कितना डिजिट है 1 2, तो 2 0 मैंने बैठा दिया, तो कितना हो गया 700 हो गया। अब हमें क्या करनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दोनों के प्लेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 27, दोनों का 7 का प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, मैं कितना 700, तो ये 700 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 0 0 तो हो ही जाएगा, यहाँ पे होगा 10 10 में 7 चला गया, तो आपका यहाँ पे 0 0 7 7 में से जो है सो 10 हो गया, 10 में से 7 चला 3, यहाँ पर 9, यहाँ भी आपका 9 और यहाँ भी 9 और ये 6, यानी आपका आंसर हो गया। बच्चों मैं आंसर एक बार मैच कर लूँ, आपका आंसर जो आया है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 6 9 9 9 और 300, मैं इसको इंडियन सिस्टम में लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखूँगा पहले 6 9 9 9 3 00, तो इस उधर का 3 का पैकेज, फिर इधर के बाद 2, फिर इसके बाद ये, यानी 6 9 9 9 3 00 आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, बच्चों 9 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करता हूँ, 9 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, डिटरमिन द डिफरेंस, डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, बिटवीन द प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7865 4321। क्वेश्चन यही है बच्चों, कह रहा है डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7865 4321। तो एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं फिर से। हाँ ठीक, अब देखो यहां पर बच्चों, यहां पर कह रहा है 5 एक ऐसे नंबर है, 5 एक डिजिट है, इसमें उनका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकाल करके उसकी डिफरेंस निकालनी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, लिखूंगा सॉल्यूशन में द फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ 5। जो कोई भी नंबर का अगर फेस वैल्यू निकालना होगा ना, तो वो नंबर ही अपने आप में एक फेस वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चों फेस वैल्यू 5 का क्या होगा, ये जो 5 है ना, इसका फेस वैल्यू 5 ही हो जाएगी। अब मैं लिखूंगा द प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो मैं क्या लिखता हूं, फेस वैल्यू ऑफ 5 इंटू पोजिशन, ये किस जगह पे लोकेटेड है। तो फेस वैल्यू 5 का 5 हो गया। अब पोजिशन देखो यहां पे, ये कहां पे है, राइट साइड से। तो मैं देखूं यहां पे जिस जगह होता है ना, वो पोजिशन लिखनी है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे और 5 के बाद देखो कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। तो इस पर मैं 4 0 बैठाऊंगा, तो ये क्या हो गया, 5 पे 4 0 हो गए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस निकालना है। द डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। तो क्या रखूंगा मैं, प्लेस वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, इसके कॉमा दे दीजिए 3 डिजिट के बाद, ठीक है। तो ये आपका अब माइनस, फेस वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 0 में से 5 चला गया तो आपका बच गया 5। यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया और यहाँ बन गया 4। तो आपके जो आंसर होंगे, इसको हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंडियन सिस्टम में, 4999 4999 5। स्टार्टिंग फैमिली जो है 3 के बाद बनेगी, 3 का पैकेज यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आंसर चेक करके भी देख लेता हूँ कि क्या आंसर सही निकला है या गलत निकला। क्वेश्चन नंबर जो है 9 का जो आंसर है 49995, बहुत अच्छा बच्चों, ये सीख गया होगा आपने, आंसर भी सही हम लोगों का निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके बाद 11 12, टोटल 13 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और 13 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट ही करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को लंदी नहीं खींचनी है, क्योंकि हम लोगों को कई सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हिच डिजिट हैव द
सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इन 9207863 4। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन से ऐसे डिजिट हैं जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम आएगा। देखिए फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सेम तभी आएगा जब दोनों का पोजीशन यूनिट प्लेस पे हो, दोनों का पोजीशन क्या हो, यूनिट प्लेस पे है। अगर ये हम ये इसकी बात करें, ये देखिए फोर, फोर एक ऐसा नंबर है जिसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, क्योंकि पोजीशन राइट साइड से यूनिट प्लेस पे है, तो इसका मैं निकाल रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, द फेस वैल्यू ऑफ फोर मैं निकालता हूँ। सभी नंबर का आप चेक कर सकते हैं, फेस वैल्यू ऑफ फोर निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा, फोर आएगा। फेस वैल्यू ऑफ, मैं सॉरी यहाँ पर लिखूँ, द फेस वैल्यू ऑफ फोर, चार का जो है फेस वैल्यू क्या होगा, फोर होगा। अब इसी का निकालता हूँ, द प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ फोर, तो अब मैं क्या करूँगा, फोर का फेस वैल्यू क्या आएगा बच्चों, फोर का फेस वैल्यू तो फोर आएगा, और प्लेस वैल्यू में क्या होता है, फेस वैल्यू इंटू पोजिशन, तो फेस वैल्यू हमारा क्या है, फेस वैल्यू तो फोर ही है। अब पोजिशन देखो यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस पे है, तो पोजीशन तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, इसके बाद कोई डिजिट तो है नहीं, तो जब नहीं है डिजिट तो हम मैंने वन लिखूंगा, और इधर डिजिट नहीं है तो हम जीरो बैठाएंगे, बैठा ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसका पोजीशन नहीं लिख सकते, यूनिट प्लेस पे है, यानी यूनिट प्लेस पे है। तो यहाँ पर क्या हुआ, द फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा, हैंस द फेस वैल्यू और इज इक्वल टू द प्लेस वैल्यू, वो कौन सा नंबर होगा, दैट इज कॉल, आंसर आपका हो गया इसमें आपका वो फोर हो गया। फोर एक ऐसा नंबर है जो यूनिट प्लेस पर इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बच्चों सेम आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, और इसको करके सीखना हमें जरूरी है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हाउ मेनी डिफरेंस थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट इतना विदाउट रिपीटिंग। डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट है। हाउ मेनी डिफरेंट थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 025 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट इन द नंबर। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, हाउ मैनी डिफरेंट थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर by using the digit 025 without repeating any digits in the number। ठीक है बच्चों, हमें क्या करनी है, तीन डिजिट के नंबर बनाने हैं, और आपके नंबर्स जो दिए हुए हैं, गिवेन नंबर्स, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, नंबर जो गिवेन है, गिवेन नंबर क्या दिया हुआ है, 025, इससे थ्री डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, तो थ्री डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये भी तो बोल रहा है कि रिपीटिंग जो है नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते, एक ही डिजिट को दो बार नहीं लिखना है। तो मैं क्या करता हूं, अब देखो मैं बनाना स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जीरो को लिखूंगा यहां पे,
जीरो फिक्स कर दिया। अब इस दो ये दोनों डिजिट को हम चेंज करेंगे, तो पहले तो ये तो 25 हो जाएगा, फिर मैंने जीरो को फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, फिर देखो ये या तो 25 होगा और या नहीं तो ये 5 पहले होगा 2 यानी 52 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं फिक्स करूँगा इसको, अब इसको फिक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो या तो 05 होगा और या तो 50 होगा, 2 लिखा 50 होगा, ये बदल सकता है ना, ये फिक्स कर दिया, ये दोनों डिजिट बदल रहा है। या नहीं तो बच्चों मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, 5 को फिक्स कर दिया तो या 02 बचा, तो या तो 02 होगा और या 5 को फिक्स किया तो या तो 20 होगा। तो टोटल इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट के नंबर जो है हमने फॉर्म किया, कितना 6 किया। अब देखो बच्चों ये 025 में ये 0 की कोई वैलिडिटी नहीं है, ये 0 की वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम रखेंगे स्टार्टिंग में 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये नंबर नहीं बना, ये बन गया आपका कितने डिजिट का, ये 25 बन गया, ये 52 हो गया, ये तो 3 डिजिट का नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए ये फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ये फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो टोटल कितने फॉर्म हो गए, यही 4 फॉर्म हो गया, यही यानी टोटल क्या हो गया, 205 250 502 और 520। तो टोटल कितने नंबर बन गए, तो टोटल आपको टोटल जो है 4 बन गए, 4 नंबर ऐसे हैं जो आपके 3 डिजिट्स के फॉर्मेशन हुआ है। तो 4 जो है 3 डिजिट के नंबर इसमें तैयार हुआ है, वो कौन कौन से नंबर है, 205 250 502 520, यही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, अब इसको अच्छे से समझते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कह रहा है आपका, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 604 फैन पहला रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं किया गया इसमें। तो इसका सॉल्यूशन मैं कर लेता हूँ, आंसर लिखते हैं इसका, आंसर बोलिए या सॉल्व कीजिए, सॉल्व करता हूँ मैं। तो इससे कि कौन कौन सा डिजिट फॉर्म होगा, पहले तो मैं 6 को फॉर्म कर लिया, 6 को फिक्स कर दिया, तो 04 होगा या क्या होगा, 640 होगा, पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, देखो ये इस 0 वाले नंबर को अगर हम स्टार्टिंग में रखेंगे तो ये दोनों 2 डिजिट के नंबर बन जाएंगे, तो मैं लिखता हूँ 0, इसको मैंने फिक्स कर दिया 0 को, तो यहाँ पर 64 होगा या 46 होगा, तो 64 होगा 0 46 होगा, पोजीशन 0 का फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या होगा, मैं अब हम 4 का पोजीशन फिक्स कर रहे हैं, तो 4 का जब करेंगे तो या तो 60 होगा या 406 होगा। तो बच्चों देखो ये दो 2 डिजिट का ही नंबर रहा, ये 2 डिजिट का ही नंबर का फॉर्मेशन हुआ, तो टोटल 2 और प्लस 2 यानी टोटल 4 नंबर ऐसे होंगे जो आपका रिपीटेशन जब अलाउ नहीं करेंगे तो 4 डिजिट बनेंगे 3 डिजिट्स के, ठीक है, और इस नंबर के कॉम्बिनेशन से। सेकेंड क्वेश्चन इसमें है, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीटेशन अगर हम अलाउ कर दें, रिपीटेशन अलाउ कर दें ऑफ डिजिट्स, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ, अगर हमने अलाउ कर दिया तो एक ही नंबर को हम कई बार लिख सकते हैं, तो जब एक ही नंबर को हम कई बार लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले तो हमने क्या किया, सपोज करें कि आप कोई नंबर को फिक्स कर लो, जैसे इसमें हमने 4 को फिक्स कर दिया, तो जब हम 4 को फिक्स करेंगे तो 4 या तो 00 होगा, ठीक है, और या तो 406 होगा, 406 इसके बाद 460, 3 तो ये बन गया, उसके बाद 466, उसके बाद 44, 404, 440, उसके बाद बचा 446,
4446464, उसके बाद 600 भी एक नंबर बन सकता है, 604644, उसके बाद 646664, उसके बाद जो है 606660 और 666। इस तरह से नंबर का हमने फॉर्मेशन किया। देखो इतनी पॉसिबल नंबर इसमें बन सकता है जब ये रिपीटेशन को अलाउ कर देगा। यानी देखिए यहाँ 4 है, 0 को हम दो बार लिख सकते हैं, तो 400 एक नंबर बन सकता है इससे। 4 भी जो है, एक तो 4 है ये, और दो बार 4 लिख सकते हैं, तो देखो ये 4 है, 4 डबल बार भी लिख सकते हैं। 6 है तो फिर डबल 6 भी लिख सकते हैं, तो देखो 666 होगा, कहीं ना कहीं आपका जरूर मिलेगा इसमें, ठीक है। तो वो भी आपका रिपीटेशन में अलाउ कर सकता है लास्ट में, देख रहे हैं, तो ये भी बन सकता है। तो ये रिपीटेशन वाले टर्म सब हैं। तो टोटल जो है इतने नंबर्स आपके बनेंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 नंबर्स आपके रिपीटेशन जब अलाउ कर देंगे तो टोटल आपके फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है सो 13 है, इसको फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे से करना है इसको। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, फिर ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये जनरली आपके बुक एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चंस, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 लिख रहा कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, इसको भरनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख इजकल टू, इसको भरना है, और 10,000। सेकेंड क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू 1,000। थर्ड क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू 100, ये क्वेश्चन है। और फोर्थ है 1 लाख इज इक्वल टू 10। पहले इतने क्वेश्चन का करते हैं लाख वाले को। देखो देखो बच्चों 1 लाख कितना होता है, अगर कोई पूछे 1 लाख तो आप बोलना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 लाख का मतलब होता है 10^5, इसका मतलब 1 पे 5 0, 1 2 3 4 5, 1 लाख का मतलब ही होता है 10^5, यानी 1 पे 5 0 आपको लिखनी है। अब हमें देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं इसको, 1 लाख इजकल टू, मैं 1 लाख लिखूँगा तो 1 लाख इजकल टू 1 पे 5 0 लिख दिया हमने, 5 0। अब 10,000 लिखनी है, तो 10,000 का मतलब क्या हुआ, 10,000। 10,000 हम कैसे लिखेंगे, 1 पे 4 0 3 4 0 हो गया, 10,000 हो गया, तो 1 लाख जो है 10,000 है, तो 10,000 मैंने यानी 1 पर 4 0, तो 1 लाख में से जितना जीरो लिखा हुआ है उतना जीरो काट दो, 1 2 3 4 हमने काट दिया, अब कितने बच गए, 10 बच गया, यही 10 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 लाख इज इक्वल टू आपके जो है ना 10,000 के कितने मल्टीपल होंगे, 10 बार होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए 1 लाख इज इक्वल टू, अब आपको 1,000 बनानी है, 1 लाख कितना 1,000 होगा, तो 1,000 में 1 पर कितना 0, 3 0। अब 1 लाख में 1 पर 5 0 होता है, अब हमें 1,000 बनानी है, तो 1,000 तो दिया हुआ है, अब हमें लाख को 1,000 के फॉर्म में लिखना है, तो कितना 0, 3 1 2 3 0 हमने कटिंग कर दिया, तो कितने हो गए 100, ठीक है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1 लाख तो मैंने लिख ही दिया, अब आपको देखिए 100 लिखनी है, तो 100 के लिए कितना, 2 0 एक पे होगा, तो 2 0 तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको कितने यहाँ बैठाने पड़ेंगे, तो 2 0 कटिंग कर दो, 1 पर 3 0 हो जाएगी। फिर बच्चों हमें 10 लिखनी है यहाँ पे, तो 10 लिखने के लिए फिर मैं यहाँ पर 2 0 लिखता हूँ, और यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ 1 लाख का हमको मल्टीपल में बनानी है, तो 1 तो 0 दिया हुआ है, तो 1 0 हमने काट दिया, तो कितना बच गया 4 0, तो 1 पे 4 0। तो 4 क्वेश्चन लैक्स वाला इस तरह से बनाए। अब हम बात करते हैं
करोड़ वाले, इसमें करोड़ वाले भी हैं, ठीक है। फोर तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं हम लोग इसमें, इसमें करोड़ वाले देखो कैसे बनाते हैं, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने बताया कि जो है सो 1,10^5 होता है, उसी तरह से 1 करोड़ जो होता है वह 10^7 होता है। तो 10^7 का मतलब हुआ 1 पे 7 जीरो, ठीक है। तो मैं यहां पर देखो, यहां क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ है, 1 करोड़ हाउ मच 10 लैक्स, 1 करोड़ हाउ मच लैक, 1 करोड़ हाउ मच 10,000, 10,000 के कितने होंगे, फिर जो है 1 करोड़ हाउ मच 1,000, ये भी पूछ रहा है, फिर 1 करोड़ हाउ मच 100, 100 के कितने होंगे, फिर बच्चों 1 करोड़ लिखा हुआ है हाउ मच 10, ठीक है। चलो 1 करोड़ में देखो, 1 करोड़ हम लिखना है तो 1 करोड़ में 1 पे कितना 0, 7 जीरो, 10 लाख लिखनी है तो 10 लाख का मतलब क्या होता है, 1 लाख होता है 1 पे 5 जीरो, 10 लाख लिखनी है तो 1 पर 6 जीरो, तो 6 जीरो इसमें काट दो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना बच गया 10, तो यहाँ पे मैं भरूंगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 1 करोड़ जो है हाउ मच लैक्स, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 करोड़ कितना लिखूंगा, देख लो ये हो गया लैक्स, 7 जीरो लिखा मैंने, 1 करोड़ का मतलब 7 जीरो, उसमें से लैख काटने, लैख दिया हुआ है यानी 1 पर पावर 5, 10^5 यानी 1 पर 5 जीरो मुझे काट देनी है, लैख में मतलब ही होता है 1 पर 5 जीरो 5 जीरो, तो 1 पे 5 जीरो 5 जीरो कैंसिल करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो कितना बच गया 100, तो मैंने यहाँ रखूंगा 100। अब बच्चों पूछ रहा है कि 1 करोड़ 10,000 के कितने होंगे, तो पहले मैं लिखूंगा 1 करोड़ 1 पे कितने 0, 7 जीरो, मैंने 7 जीरो लिख दिया, अब 1 पे 7 जीरो लिखूंगा, अब 10,000 का मतलब 1 पे 4 जीरो काट दो तो 1, 2, 3, 4, तो ये कितना बच्ची हो गया यहाँ पे 1,000। बच्चों इसके बाद पूछ रहा है कि 1,000 के कितने मल्टीपल है, अगर हम बात करें 1,000 के कितने मल्टीपल है, तो 1,000 का मतलब होता है 1 पे कितना 0, 3, तो 1, 2, 3, तो 1 पे कितने हो गए 4 जीरो, यही आंसर हो गया। फिर अगर आपसे पूछ रहा है 100 का बताइए कितने, 1 करोड़ 100 के कितने मल्टीपल होगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो लिखूंगा 1 करोड़ लिखूंगा मैं, उस पे सो 100 का मतलब 2 जीरो काटूंगा, 100 का मतलब ये होता है 2 जीरो काटना, तो 1 पे कितने 0 बच गए 5 जीरो। उसके बाद जो है 1 करोड़ हमें 10 का टेबल में लिखना है, तो 1 करोड़ क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 10 है तो 10 के लिए 1 जीरो कैंसिल होगी, यानी 1 पर कितने 0, 6 जीरो, ठीक है। लेकिन इसको लिखना है इंडियन सिस्टम में, तो इंडियन सिस्टम में तो यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, फिर यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए 3 के बाद, फिर 2 का कॉमा, यहाँ पे कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका कॉमा हो जाएगा, तो यही आपके जो है आंसर हो गया बच्चों। तो ये जो है हमारा इस तरह से ये चैप्टर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है सो कम्प्लीट हुआ है। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में कई क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है हमारा कंप्लीट हुआ। मुझे जहाँ तक लगा है कि बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखिए जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप का है, जो बनाने लायक है, उसको तो मैं बोर्ड पे ही बताऊंगा। जहाँ पे थ्योरिटिकल क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे ज़्यादा थ्योरी की बातें हैं, समझाना होता है, तो उसको मैं पावर पॉइंट पे बना करके आपको वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, और वहाँ से दोनों मोड हम रखेंगे, दोनों मोड अच्छा है आपके, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके किसी भी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। तो बच्चों जो नेक्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम पे जो एक्सरसाइज 1.1 था, अब इंटरनेशनल सिस्टम पे एक्सरसाइज 1.2 आएगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 हम फिर से पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात,
दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और साथ साथ कमेंट भी कीजिए। कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म, धन्यवाद।